हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, ये है आप लोगों के स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 के एक्टिव पैसिव का वीडियो नंबर 1। ओके बच्चों, आज से मैं आप लोगों का एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक शुरू करूंगा। और दूसरी बात कि भले बच्चों, YouTube की जो हमारी चैनल के जो मैसेज आते हैं उसमें भले 10 और 12वीं लिखे, लेकिन ये जो एक्टिव पैसिव के टॉपिक की जो थियरी है, बराबर, वो स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 चारों स्टैंडर्ड के लिए कॉमन रहती है, सेम रहती है। तो स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे इस एक्टिव पैसिव की थियरी को, एक्टिव पैसिव के टॉपिक को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात बच्चों, कि आज के ये वीडियोस, आज मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव जो चालू करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं आप लोगों को उसके बेसिक जानकारी दूंगा, मतलब बेसिक रूल्स समझाऊंगा, जो भी आज के 3-4 वीडियो जो भी बने उसमें, 2-3-4 वीडियो जो भी बने उसमें, तो मैं आपको बेसिक रूल सिखाऊंगा, बराबर। उसके बाद बेसिक रूल सिखाने के बाद बच्चों, आप लोगों को हैंड राइटिंग से लिखे हुए पेज में आपको व्हाट्सअप करूंगा, जिसमें भी वो जो बेसिक जानकारी होगी, बेसिक रूल होगा, सबसे पहले आप लोगों को कॉपी के बुक के नए पेज से ऊपर लिखना है एक्टिव पैसिव वॉइस, और जो हाथ से लिखा हुआ जो पेज आपको मिले, 3 पेज मिलेंगे आपको हाथ से लिखा हुआ, हैंड राइटिंग वाला मेरा, वो आपको थियरी के रूप में लिखना है, बराबर। वो 3 पेज है, मेरे पेज नंबर भी लिखे हैं, हैंड राइटिंग वाले, समझ लेना आप। उसके बाद आप लोगों को जो एक्टिव पैसिव का जो पैम्पलेट है वो भी मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, जो कंप्यूटर टाइपिंग वाला है, बराबर बच्चों। तो जो पैम्पलेट है कंप्यूटर टाइपिंग वाला, वो जैसे जैसे मैं समझाते जाऊं वैसे लिखना है, बराबर बच्चों। आई रिपीट अगेन, आपको 2 प्रकार के व्हाट्सएप आज मिलेंगे, जो हैंड राइटिंग वाले वाले पेज आपको मिले व्हाट्सएप में, वो थियरी है जो आपको एकदम स्टार्टिंग में लिखनी है, मतलब एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल की समझ है। उसके बाद जो पैम्पलेट की जो फोटोज आपको मिले व्हाट्सएप में, मैं पूरा पैम्पलेट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा एक्टिव पैसिव का, बराबर बच्चों। तो वो जो पैम्पलेट क्या जो व्हाट्सएप आपको मिले, बराबर, तो मान लो कि किसी बच्चे के पास एक्टिव पैसिव का पैम्पलेट नहीं है, 9th 12th के पास नहीं होगा, या तो कोई बच्चा आउट ऑफ सूरत है, उसके पास मटेरियल ना हो, तो उसके लिए ये काम लगेगा। दूसरी एक बात मैं बच्चों आपको बता दूं कि, बराबर ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कि ईश्वर कृपा में जो अर्चना भवन स्कूल है, मतलब जो अर्चना स्कूल है, उससे थोड़ा आगे चलो तो वहाँ पे राधे कृष्ण स्टेशनरी है, बराबर बच्चों। तो वहाँ पे मैं आज या कल मैं पूरा पैम्पलेट का सेट दे दूंगा, इंग्लिश के पूरे पैम्पलेट का सेट मैं दे दूंगा, बराबर बच्चों। और जो बच्चे सूरत में हैं और जिसके पास जो भी पैम्पलेट ना हो, बराबर, तो आप वहां जाकर जो भी टॉपिक का पैम्पलेट आपके पास ना हो, आप वहां जाकर उसकी आप फोटोकॉपी यानी जेरोक्स करवा लेना, बराबर। और हमारी स्कूल की कॉपीज भी वहां होती है, तो उस हिसाब से मैंने उसको बोला भी है, उस हिसाब से वो हमारे कम दाम लेता है। दूसरी एक बात कि आप 1-2 दिन के बाद जाना, क्योंकि अभी मैं गया था, उसे मिला था, उसका कुछ मशीन खराब हो गया है और उसने मुझे ऐसा बोला 2 दिन में मशीन रिपेयर हो जाएगा, बराबर बच्चों, ठीक है। तो आप है ना, दो दिन के बाद जाना, बराबर। तो जिसके पास पैम्पलेट नहीं है, जो भी पैम्पलेट नहीं है, आपको पूरा सेट की कॉपी करवानी हो तो भी भले, और मान लो कि आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैम्पलेट खो गया या तो एक्टिव पैसिव का पैम्पलेट नहीं है, तो आप जो बोलोगे वो उसकी वो आपको जेरोक्स कर देगा, आप पैसे उसको वहां पे दे देना, बराबर, गांव से वो कम रेट में करेगा। ओके बच्चों, ये बात हो गई। और 1-2 दिन के बाद जाना,
राधे कृष्ण स्टेशनरी अर्चना स्कूल वाली लाइन में है आगे, बराबर। ओके बच्चों, और अब हम चालू करेंगे ना एक्टिव पैसिव वॉइस, बराबर। आज से हम शुरुआत करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर दो में मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव की जो बेसिक रूल्स है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।